Assalamualaikum guys, so welcome back guys. आज के इस वीडियो में मैं आपको ये मॉडल की पिक्चर है स्पाइडर का क्या दिखाऊंगा। ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है, इसको हमने थोड़ा सा एडिट करना है, इसकी रिटचिंग करनी है और ये इसका जो मतलब फुल फेस इसका हमने अच्छा करना है, वाइट करना है, इसके सब कुछ रिटचिंग करनी है फेस की। और चलिए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी, तो समय लगेगा वरना आपको समझ नहीं लगेगी। तो बस चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ से इसको फिल्टर पे जाता हूँ। फिल्टर पे जाने के बाद कैमरा और फिल्टर में जाऊंगा। देखिए कैमरा और फिल्टर ओपन हो चुका है। अब हमने इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 0.090 और कंट्रास्ट हमें रख लेना है +10 पे। उसके बाद यह थोड़ा सा ज्यादा कर लें +14 पे। हाईलाइट्स हमने कर लेनी है तकरीबन +13 पे। उसके बाद शेडोज हम +10 पे, वाइट्स भी +5 पे या 7 पे, ब्लैक्स हम रख लेते हैं +8 पे और क्लैरिटी हम रख लेते हैं +7 या 10 के बीच में, 10 से नीचे नहीं रखने, ज्यादा नहीं करना। उसके बाद वाइब्रेंस अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो मत अभी देखें, हम रखेंगे तकरीबन इसको +15 पे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, नहीं सॉरी, हम ओके करेंगे। हम यहाँ से ओके करने के बाद इसकी हम स्किन जरा थोड़ी सी पॉलिश कर लेते हैं। इसकी हम लेंगे डुप्लीकेट लेयर। उसके बाद यहाँ से इसको क्लिक करना है आपने, यहाँ से नीचे आ जाएगा मिक्सचर ब्रश टूल, इसको हम छोटा कर लेते हैं ब्रश को। ये देखा, इसको सीधा सीधा फेरना है। तो गाइस हमने जब अब जाना है हमने यहाँ से फिल्टर में, दोबारा उसमें कैमरा वाला फिल्टर में जाएंगे हम। इसको हमने यहाँ थ्री लाइन नजर आ रही, यहाँ पर जाना है उसके बाद रेड को हम यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे कैसे इसकी, क्योंकि हमने सिचुएशन नहीं जाना, हमने पहले ह्यू में जाना है। अगर हम इस साइड पर करेंगे पर्पल हो जाएगा ये रेड जो है सारा, इस साइड पर करेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, हम गाइस हम देखते हैं पर्पल अगर अच्छा लग रहा है, नहीं पर्पल मुझे नहीं इतना खास लग रहा, हम रेड पे रखते हैं। रेड पे रख के हम इसकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मामूली से ज्यादा करने हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, ल्यूमिनेंस में जाएंगे, ल्यूमिनेंस में थोड़ी रेड को थोड़ा सा लाइट कर देंगे। फिर यहाँ से ओके करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे कैमरा और फिल्टर में। उसके बाद दोबारा आपने वहीं पे जाना, अब हमने ह्यू को छेड़ना, हम यहाँ से इसको पर्पल कर देते हैं। देखा ना पर्पल का थोड़ा सा लाइट लाइट बहुत प्यारा लग रहा है। उसके ल्यूमिनेंस में जाने के बाद इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे। अगर हमने इसका फेस थोड़ा सा और वाइट करना है यहाँ से, तो हम अगर देखें इस साइड में करूँगा फेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसके हमने थोड़ा सा फेस वाइट करना, हम इस साइड में थोड़ा सा करेंगे इसको ऑरेंज को। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ से हम ब्लू को छेड़ते हैं। ये देखेंगे गाइस, तो ये देखिए अब हम जाएंगे ग्रीन्स में। यही कलर ठीक है, इसकी सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम, नहीं बोल ये ठीक है। तो गाइस अब यहाँ से इसकी लेमनेंस भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि उसमें थोड़ी सी शाइन आ जाए, और ब्लूज के साथ थोड़ी सी बस। अब यहाँ से हम जाएंगे क्लैरिटी में, थोड़ी सी +5 में कर देंगे क्लैरिटी, ज़्यादा करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा
हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ओवर नहीं होने करना, प्लस 3 पे रख लेंगे। उसके बाद वाइब्रेंस जाएंगे इसको प्लस 30 या 30 से नीचे, ठीक है गाइस। ओके हो गया, तो गाइस इसको हम थोड़े से ओके कर देंगे यहाँ से। उसके बाद एक पीएनजी ले लेंगे हम, ये बीएनजी उठाई हमने यहाँ से इसके अंदर लेके गए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब हम इसका यहाँ से मोड चेंज कर देंगे, लाइट हम देखें। हाँ ये देखें, मोड चेंज हो गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको फिल्टर में जाएंगे, ब्लर कर देंगे, यहाँ से गॉशियन ब्लर लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसको हम तीनों लेयर्स को मर्ज कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे कलर बैलेंस में, यहाँ से रेड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मैजेंटा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं। येलो को भी देखेंगे। अब दोबारा हम यहाँ पर जाएंगे इसके फिल्टर में, कैमरा वाला फिल्टर में जाएंगे। उसमें जाने के बाद इसकी हम ज्वेलरी का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, लाइट ज़रा येलो ज़रा, तो ये देखें पहले से कितना फर्क पड़ गया। ये देखें शाइन आ गई थोड़ी सी ज्वेलरी में। सिंपली हम यहाँ से ओके करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे इसमें, उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्टेड कलर में जाएंगे। यहाँ से रेड कलर चूज़ किया हमने, देखिए इसमें फिर थोड़ा सा ये देखिए मैजेंटा है कुछ, तो ज़्यादा नहीं मम प्लस 3 येलोज है, तो इसको थोड़ा सा इस साइड पर ले जाएंगे। ब्लैक्स को ले जाएंगे, उसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से येलो लेते हैं। ये देखिए कैसे येलो कलर ख़त्म हो गया, यहाँ से ज़रा लाइट हो जाएगा कलर मैजेंटा। ब्लैक्स में जाते हैं, चलो फिर यहाँ से कलर में जाते हैं। यहाँ से हम लेते हैं ये ग्रीन कलर, हमारी पिक्चर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इन तीनों लेयर्स को पकड़ते हैं, यहाँ से कंट्रोल ई दबा देंगे ताकि ये लेयर्स मर्ज हो जाएं। तो गाइस फाइनली हमारी पिक्चर तैयार हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको मेरी जो एडिटिंग जो है अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट करके पूछिए किसी चीज की अगर आपको समझ नहीं लगी तो। गाइस मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी कोई फोटोशॉप में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी चीज का, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0306-088-2813। अगर पाकिस्तानी है प्लस 92 शुरू में, अगर नहीं तो यही आप मिला लें। अगर पाकिस्तानी नहीं, अगर इंडियन है, फिर शुरू में प्लस 920 नहीं मिलाना, फिर 3060-088-2813।